हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। फास्ट ट्रैक फॉर डीआई, शानदार डीआई, जानदार सेशन। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं, आज आप लोग का डीआई का सेशन है और मैंने जैसा बताया था कि मैं अरिथमेटिक का सीरीज पे भी काम कर रहा हूं, आपके लिए टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है, वैसे ही चलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वीडियो टाइम एंड वर्क, एक वीडियो डीआई, और इसके बाद भी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं और वीडियोज ला के दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखते रहना है। ठीक है, अब अगर एज्यूम करो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम्हें कौन सा ऐसा पोर्शन होता है मैथ्स में जो तुम कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हो, वो सिर्फ एक और एकमात्र है तुम्हारा डीआई। अगर वो डीआई तुम आसानी से बना दो, चुटकी बजाओ डीआई बनाओ, जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा, अगर तुम उसी चीज को आसानी से बना सकते हो तो वो चीजें जो है तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ 2 मिनट में तुम्हें 5 नंबर आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें समझना होगा और शुरू से लेके अंत तक देखना होगा, तभी ये बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक बने रहे। बाइलिंगुअल डीआई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। वैसे मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ, ठीक है, भले इंग्लिश में लिखा होता लेकिन लिखा हुआ भी यहाँ पे आज हिंदी में है। जैसे जैसे हम लोग का सवाल बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आज हम लोग 2 डीआई को करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा डीआई का सेशन, शुरू से लेके अंत तक देखना, कमेंट करके बताना, फिर मैं इसी को और आगे लेके जाऊंगा आपके कमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए, पहला सवाल क्या है हमारा। देखो, डीआई शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो इंस्ट्रक्शंस का हिंदी होगा वो आगे के सवालों में, जैसे आपको दिख रहा होगा कि आगे के सवाल में हमारा इंस्ट्रक्शंस का हिंदी चला गया। सवाल का हिंदी है, इंस्ट्रक्शंस का हिंदी जो है वो चला जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को मैं अभी समझा दे रहा हूं, आगे हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो चीजें समझनी है हमें अभी समझ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, द पाई चार्ट क्या बोल रखा है हमारा सवाल में, क्या बोल रखा है। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल बसेस। 5 स्कूल बसेस में कौन कौन से स्कूल बसेस हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ स्कूल बसेस में स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन को बताया है। नीचे टेबल भी है, टेबल शोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। रेशियो बता रहा है किसका, बॉयज के साथ गर्ल्स का। ठीक है, बॉयज रेशियो गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 बसेस 450, मतलब ये ग्राफ जो टूटेगा ये टूटेगा किस पे, 450 पे टूटेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम किसी एक बस के लिए पहले समझते हैं। बस ए में मैं बोलूं कि बस ए में टोटल कितना है, 24%। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू पे। इसी परसेंटेज को बोलूं मैं 2 बराबर भागों में बांटो तो तुम क्या बोलोगे कि सर 12% और 12%। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को बोलूं कि इसे 7:5 में बांटे, ठीक है, तो कैसे बांटोगे, 7 + 5 = 12, 12 की वैल्यू 24 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 2 यानी कि 14%, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 2 यानी कि 10%। अब ये 14% क्या निकल गया, ये 14% निकल के आया बॉयज। अब अगर यही सवाल में मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ ए में बॉयज कितना है, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट 450 का 14% निकाल दोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ बॉयज निकल के आ जाएगा ए में। अगर इसी सवाल में मैं पूछ दूं कि तुम्हारा बॉयज कितना है यहाँ पे, बॉयज कितना है तुम्हारा, गर्ल्स कितना है तुम्हारा ए में, तो तुम क्या करोगे, 450 का 10% निकाल दो, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा ए में गर्ल्स। बात आ रही है समझ में, जस्ट तुम्हें क्या करना है, रेशियो को डायरेक्ट। अब तुम देख लो रेशियो को एक बार, थोड़ा सा नजर घुमा के देख लो, कौन सा रेशियो ऐसा है जो आसानी से ना कटने लगे। मैं तो मुंह पे बनाने के लिए बोल दूंगा ये सवाल। ठीक है, तुम इस वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर से इसको बनाने के लिए बैठो, देखो तुम भी मुंह पे बना सकते हो ऐसा। सिर्फ इसी को क्यों ऐसा, जितनी सारी वीडियो है सब देख लो, सारे सवालों को तुम मुंह पे बना सकते हो। ठीक है, जिनमें नहीं भी कट रहा है वो भी मुंह पे बनेगा, मैं उसका भी सेशन लेके आऊंगा जहाँ पे होता है कि रेशियो नहीं कट रहा है, जैसे यहाँ 7:5 से 24 कट जा रहा है, 12 से कट जा रहा है, यहाँ नहीं कटेगा मैं वहां पे भी जुगाड़ बताऊंगा। बस इस सेशन को पहले देखो, समझो, कमेंट करके बताओ अच्छा है, तब फिर मैं आगे का लेके आऊंगा। ठीक है, कमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो क्या है हम लोगों का, ये रहा। अब देखो हमारा सवाल में क्या क्या निकालने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड डी। ए और डी का बॉयज का सम किसके साथ निकालना है, गर्ल्स के साथ निकालना है, उन्हीं 2 बसेस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 7, 5, 12, 12 का वैल्यू 24 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 2 अभी मैंने बताया था, तो ये 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना। अब डी में आ जाओ, 5, 4, 9,
9 का वैल्यू 18 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 2%, तो 5 की वैल्यू कितनी 10, और 4 की वैल्यू कितनी 8, जोड़ दो ना, 14 और 10 कितना 14 और 10 24, रेशियो में 10 और 8 कितना 18, 6 से 3 6 से 4 हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहां मैंने 450 का यूज किया, समझ रही है बात। अब अगर तुम इसे 450 लेके बनाओगे तो तुम सोचो कितना सारा तुम डेटा निकालने के लिए बैठ रहे हो। जिन्हें नहीं आता है वो क्या करते हैं, बहुत लोगों का मैंने ये देखा है, जो लोग यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ ठीक है येलो कलर पर ध्यान देना, वो लोग क्या करेंगे ए में पहले बॉयज निकालेंगे एकदम बड़ा अच्छे से, 450 का पहले ए में 24% है और उसके बाद 7/12 ठीक है, और उसके बाद काटने के लिए भिड़ेंगे 2 0 0 काटेंगे। भैया मेरे को तो ऐसे ही यहाँ पे बताने में ही माथा दर्द दे रहा है ठीक है, एग्जाम में तो मैं ऐसा कभी करूँ ही ना, और ना आपको करना है ठीक है। आप जस्ट रेशियो मेथड से सवाल को आसानी कर सकते हो। तब सोचो कि इसी सवाल को मैंने तो यहाँ समझाने के लिए तुम्हें इतना लिख दिया, क्या ये सवाल तुम विजुअलाइज करके नहीं बना सकते हो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो तो देखो तो क्या ही है विजुअलाइज करने में, चुटकी बजाओ डीआई बनाओ ऐसा ही है, पीटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला ठीक है, किसी भी एग्जाम का देखो, और अभी तुम्हें स्कोर पीटी में ही करना है, मेंस का भी सेशन आने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की संख्या का, एंड गर्ल्स इन बस बी टू दैट इन बस सी। डिफरेंस का रेशियो निकालना है, किसके डिफरेंस का रेशियो निकालना है, बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंस का रेशियो निकालना है, किन किन बसेस से निकालना है, बस बी और बस सी से निकालना है ठीक है ना, बस बी में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच के अंतर तथा बस सी में लड़कों और लड़कियों के बीच के संख्या के अंतर का अनुपात ठीक है, बी में आ जाओ। अब तुम यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, बी के लिए टोटल कितना है 3 और 1 4, तो 4% की वैल्यू जो है, 4 की वैल्यू 16% के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना 4% है ना, और यहीं पे अंतर देखो 3 और 1 का अंतर कितना 2, तो 2 × 4 कर दो, इधर वाला निकल गया बी का निकल गया ठीक है। अब आ जाओ सी में, सी के लिए देखो 6 5 11, 11 की वैल्यू 22 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना के बराबर 2, 6 और 5 का अंतर 1, बस 2 से 2 खत्म, कितना देर लगा, अगर एग्जाम में बना रहे होगे तो 10 से 20 सेकेंड ठीक है। अब इसके लिए भी अगर 450 यूज कर रहे हो तब तो भैया दिक्कत है, लॉकडाउन में फायदा उठाओ, मौका मिल रहा है ठीक है, चीजों को एक्सप्लोर करो। अभी मैं और डीआई, अभी एक और डीआई है जिसमें दो दो ये रहेंगे तुम्हारे ठीक है। अभी देखो इसमें, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन बस सी डी ई, बस में सी डी ई में एवरेज निकालना है ठीक है, 6 5 11, 11 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से 10 निकल गया गर्ल्स ठीक है, 5 4 9 9 की वैल्यू 18, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक सेकेंड क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जा, अब आ गया फिर से ठीक है, ये 8 हो जाएगी ठीक है, 7 3 10 10 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी 2 ठीक है, तो 3 2 ना कितना हो जाएगा 6 8 6 14 10 कितना 24, एवरेज चाहिए इसका, 3 से और भाग दे दो, 3 से 8 बार में। अब देखो मुझे क्या निकालनी है, संख्या ठीक है, तो अब मैं यूज करूंगा 450 को, ये सारा था परसेंटेज में, तो ये भी आएगा क्या चीज में, परसेंटेज में, गुने 8/100, 1 0 तो खत्म हो गया, 1 0 भी है ठीक है, 4.5 × 8 करोगे तो तुम्हें 360 देगा, और 1 0 काट दोगे तो 36 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सी ठीक है। देख लो सारा ही आसान जा रहा है, समझ में आ ही रहा होगा ठीक है, सारा रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन बस ए एंड ई, बॉयज की संख्या ए और ई में, तो अब इतना देर में याद हो गया होगा 7 × 14 और 7 × 14 ठीक है, तो 14 × 2 कितना हो गया 28, दैट्स इट ना। अब इस सवाल में परसेंटेज ग्रेटर वगैरह में ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बस ए एंड सी, ए और सी में लड़कियों की संख्या से, तो 5 × 10 6 5 11 22 था, तो 5 × फिर से 10, 10 और 10 कितना 20, इससे कितना अधिक है ठीक है। अब अगर इसके लिए भी तुम अगर ऐसे लिख रहे हो कि 8/20 × 100, भैया दिक्कत है ठीक है। देखो मैं साफ साफ बताता हूँ,
मुझे ये इसको 100 बनाना है, ठीक है, तो 5 से आसानी से गुना हो जाएगा, मुंह पे ही गुना करूंगा मैं तो, लिखूंगा तक नहीं, ठीक है। इसको 5 से गुना किया तो इसको भी, 28 गुने 5 कितना, 140, 40% की वृद्धि हो गया, दैट्स इट, यही है ना भैया सवाल में, 40% की क्या हो गई वृद्धि। किसी भी चीज का 100 से अगर हम तुलना करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, उससे प्रतिशत अधिक हो जाता है, हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख के इसका भी निपटारा कर देते हैं, फिर अगले डीआई को समझेंगे। अगला तरह का दो पाई चार्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बस सी, ठीक है, बस सी में लड़कियों की संख्या, सी में 5 × 10, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बस बी, बस बी में टोटल जितने हैं उनके साथ उनका कितना परसेंट है ये बताना है, ठीक है। बस बी में टोटल कितना है, 16 है, तो बस बी में 16, सी में कितना है 10, तो सी में 10 हो गया, ठीक है। बस सी में लड़कियों की संख्या बस बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, बी का ना, तो बी का एक्स परसेंट। अब इसी को डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अगर हैबिचुएटेड हो, 10/16 गुने में कितना, 100, ठीक है, 2 से काट दो 5 बार में और 2 से काट दो 8 बार में, मैंने क्यों 2 से ही काटा, ठीक है, मैं चाहता इधर से भी काट सकते। देखो 1/8 तुम्हें याद होता है, 1/8 कितना आता है, 12.5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर कौन सा, 62.5%, खत्म हो गया सवाल, इतना ही ना। तो रेशियो बेसिस पे बनाओ सवालों को, आसान करो। एक और डीआई है, यहां तक आ गए हो तो समझ के जाओ, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है, कि सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है, चलो और दोस्तों तक भी फैला देना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश यहाँ पे सारा चीज मेंटेन है, मैं यहाँ समझा देता हूँ इस ग्राफ को क्या है, फिर हम लोग इसके सवालों की ओर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला पाई चार्ट को पढ़ें, ये बता रहा है यहाँ पे, इसकी हिंदी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल, कौन कौन सी एक्टिविटी, क्राफ्ट, ड्रॉइंग, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं भैया स्कूल में, 3000 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या जो इनरोल्ड है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स में से, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1750, और इसकी हिंदी यहाँ पे दी हुई है, जिनको हिंदी देखना है एक बार हिंदी देख ले। मैं बता दिया हूँ कि ये 1750 पे टूटेगा और ये किस पे टूटेगा, 3000 पे टूटेगा। ये क्या है हमारा टोटल, टोटल कहने का मतलब क्या, बॉयज प्लस गर्ल्स, और ये क्या है हमारा ओनली गर्ल्स, ठीक है। और इस टाइप के डीआई का मैं इतना आसान तरीका बता दूंगा कि फिर वह चीज हमारा हो गया चुटकी बजाओ डीआई बनाओ, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या है? पहला सवाल, सवाल शुरू करने से पहले मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पे साफ शब्दों में समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो है बॉयज प्लस गर्ल्स है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, और ये है हमारा गर्ल्स। बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है भैया, 3000, ठीक है। गर्ल्स कितनी है, 1750। अब इनका सिंपलीस्ट फॉर्म निकाल लो, ठीक है, और सिंपलीस्ट फॉर्म जिससे जिससे काटोगे बस उसे लिखते जाए। मैं सबसे पहले 10 से काट रहा हूँ, 10 से काटा तो 10 लिख दिया, ठीक है। अगला जो लिखूंगा मल्टीप्लाई में लिखूंगा, बस ध्यान से समझना। अगला मैं इसे 25 से डायरेक्ट काट दूंगा, मुझे 25 का टेबल याद है, 25 से 7 बार में और 25 से 12, ठीक है, याद नहीं है ऐसा, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आ जाती है। तो ये हमारा सिंपलीस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया 12:7, मैंने और 25 से काटा था, ये हो गया हमारा 25। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू। अब एक होता है परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। अब इसका परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, कि हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें 250 में 100 नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि 2.5 दे रहा है, और कहीं ना कहीं हम 2.5 को 5/2 लिख लेते हैं। मैं सारी कैलकुलेशन स्किल अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं वहां पे लिखूं तो तुम ये चीज समझ जाना, ठीक है। अब ये है क्या स्टैंडर्ड वैल्यू और परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हम लोग सवालों में भी सीखेंगे और अभी भी यहाँ पे सीखेंगे। अभी तुम्हें मालूम है कि अगर मैं पूछ दूं कि टोटल कितने क्राफ्ट में है, तो तुम क्या करोगे, 3000 का 25% निकाल दोगे। मतलब इस ग्राफ को तोड़ने के लिए तुम किस डेटा का यूज करोगे, 3000। सिमिलरली इस ग्राफ को तोड़ने के लिए तुम किसका यूज करोगे, 1750 का। पहले यूज करते थे, इसके बाद अब नहीं यूज करोगे, ठीक है, काट दो इसे। इस ग्राफ को तोड़ने के लिए तुम यूज करोगे 12 का, और इस ग्राफ को यूज तोड़ने के लिए तुम यूज करोगे 7 का। जो यहाँ तुम 3000 गुने 25% लिख रहे थे,
तुम अब लिखोगे 12 गुने 25 से, ठीक है। मेरे को एक चीज समझाओ कि किसी भी डीआई में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज है डिक्रीज है, रेशियो निकालने के लिए जोड़ के घटा के, एवरेज निकालने के लिए, या फिर एग्जैक्ट डेटा। एवरेज और एग्जैक्ट डेटा निकालने के लिए दे सकता है, और रेशियो और परसेंटेज। तो रेशियो परसेंटेज में इस 3000 और 1750 की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। रेशियो या परसेंटेज में इस 3000 और 1750 की कोई जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ दिखावे का है, ये ढोंगी, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये 25% का आपने बोला सर कि सिर्फ 25 लोग, 14% का सिर्फ 14 लोग, 16% का सिर्फ 16 लोग, ठीक है। तो ये परसेंट कहाँ गया? देखो ये परसेंट जो चला गया, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू में चला गया। जिस सवाल में मुझे एग्जैक्ट डेटा निकालने के लिए बोला जाएगा, मैं उस सवाल में डायरेक्ट 5/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कहीं कोई परसेंटेज लेने का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं एक और चीज यहाँ पे लास्ट समझना है यहाँ पे, कि अगर मैं बोलूं कि टोटल गर्ल्स कितनी है, ठीक है, क्राफ्ट्स में, तो तुम क्या यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? 7 × 23 × 5/2, ठीक है, बस इतना ही करोगे, समझ में ना बात। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि सिंपली इस चीज को भी थोड़ा सा अगर इग्नोर कर दो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बॉयज का रेशियो निकालने के लिए, तो बॉयज कैसे निकलेगा हमारा टोटल, दैट इज बॉयज प्लस गर्ल्स, और उसमें हम लोग क्या निकाल देंगे, गर्ल्स को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, बॉयज निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक चीज सिंपल सा यहाँ ये क्लियर है कि टोटल में गर्ल घट जाएगा तो बॉय हो जाएगा, तो वही फंडा तो हमारा रेशियो बेसिस पे भी चला जाएगा ना, ठीक है। तो यही चीज का हम लोग यूज करेंगे और रेशियो बेसिस पे सवालों को सॉल्व करते हुए निकल जाए। तो हम लोग पहला सवाल फिर पढ़ते हैं। पहला सवाल देखो क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल। हम थोड़ा रेशियो ध्यान फिर रिकॉल करा देते हैं। 12 रेशियो हमारा क्या था, 7 था, ये 12 और ये 7, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल, ठीक है, लड़कों की संख्या, जिसकी ग्राफ से कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम होता तो तुम क्या कर रहे होते, अभी तुम्हें मैं दिखाता हूं, ठीक है। तुम कर रहे होते 3000 माइनस 1750 और बटे में 3000 गुने में 100, ठीक है। देखो ये रेशियो निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो ये एक्सक्यूज मत देना कि ये जितना देर में आप रेशियो निकालिएगा मैं उतना देर में ये निकालूंगा। अगर हैबिचुएटेड हो जाओगे तो ये रेशियो निकालना इतना आसान है जिसका कोई जवाब, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आंसर, मुझे आंसर भी नहीं मालूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भैया बॉयज प्लस गर्ल्स और ये है गर्ल्स, ठीक है। अगर मैं इसमें घटा दूं तो ये क्या निकल के आ गया, 5 बॉयज, बॉयज का ही परसेंटेज ना, 5/12 गुने में 100, ठीक है। 4 से 25 बार में 25 × 5 = 125, और 125/3 41 से काटोगे तो लगभग में तुम्हारा ये जो है 4.1 जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर E42, खत्म हो गया। क्यों मैं इतना करूं, सोच लो थोड़ा सा और अगर बड़ा डेटा में डाल देता यहाँ पे तो तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें बढ़ जाती, ठीक है। जरा सोच के देखो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर। कोई बात नहीं, सिंगिंग और क्राफ्ट ही चाहिए ना इसको, चलो निकालते हैं सिंगिंग और क्राफ्ट। कैसे निकालेंगे, बॉयज निकालना है, पहले सिंगिंग का बॉयज निकालते हैं, ठीक है। सिंगिंग में टोटल कितना है, 12:7 ये नहीं भूलना, 12 और 7, ठीक है। सिंगिंग में बॉयज कितना है पहले ये निकालते, टोटल कितना है पहले, तो 12 गुने कितना है सिंगिंग में, 21, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या घटा दूं, रेशियो में ही है अभी, कोई टोटल क्वांटिटी पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल क्वांटिटी पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, 2.5 से गुना करना पड़ता, या फिर 2.5 को ही हम लोग 5/2, ठीक है। अभी आते हैं सिंगिंग में बॉयज की संख्या का रेशियो निकालते हैं पहले, ठीक है। सिंगिंग में, पर्टिकुलर सिंगिंग में बोल रहा हूँ, गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स है हमारा 7 × 28, ठीक है। आप बोलोगे अब तो आप फंस गए, तो आपको सॉल्व करना ही होगा, मैं अभी भी नहीं करूँगा। अभी भी देखो हर एक सवाल पे ही कुछ ना कुछ छुपा होता है, मैं कैलकुलेशन एकदम लास्ट में जाके करूँगा। ये हमारा क्या निकल गया बेसिकली, अभी पहले ये समझो, ये निकल के आ गया हमारा बॉयज जो सिंगिंग में है वो, ठीक है। क्या किया, टोटल 12 था,
12 गुने 21 टोटल, ये टोटल में अगर मैं लड़कियों की संख्या को घटा दूं तो बॉयज निकल के आ जाएगा रेशियो में, तो 7 गुने 28 जो है मैंने लड़कियों की संख्या को घटा दी, ठीक है। अब उनको क्राफ्ट का भी चाहिए, ठीक है, तो क्राफ्ट के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। क्राफ्ट के लिए अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, क्राफ्ट के लिए टोटल कितना है क्राफ्ट में, 12 गुने में कितना 25, ठीक है, और इसमें 7 गुने में कुछ 22 घट जाएगा क्या। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो 12 अगर कॉमन ले लें, 21 और 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा 46, माइनस 7 कॉमन ले लें तो 7 और 28 और 22 कितना हो जाएगा तुम्हारा 50। क्या अब भी तकलीफ हो रही है, मैं कोई एक चीज बता दूं, चलो ठीक है तकलीफ होना लाजमी है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि 12 गुने 46 आसान नहीं हो पाया है ना, इतना ही तकलीफ है ना भैया। 12 का टेबल तो बचपन से सिखाया जाता है, और जब तुम कंपटीशन की तैयारी शुरू किए होगे तो तुम्हें सबसे पहले यही बताया गया हो कि 20 तक का टेबल मिनिमम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। 12 सिक्स 72 का 2 7 हाथ में, 12 4 48 48 और 7 55, इतना ही ना। ये क्या दे दिया घट के, ये दे दिया 202, लेकिन ये अभी भी किस चीज में है हमारा, ये है रेशियो में, ठीक है। अब अगर मुझे फाइनल आंसर चाहिए तो मैं उसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5/2, हो गया आंसर हमारा 505, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ जाओ। ये जस्ट समझने के लिए है, इसलिए इतना तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अगर तुम ध्यान से देखते तो मैं दो चीजें जोड़नी थी तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देते। देखो मैं बताता हूँ, 22 और 25 46, 12 गुने 46 डायरेक्ट ये लाइन लिखते तुम, ठीक है, और ये आता जस्ट 502। अगर ये नहीं कर रहे होते, सपोज दैट अगर तुम ये नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो तुम खुद अंदाज लगा सकते हो कि तुम क्या कर रहे होगे। मैं क्यों झूठ मुठ का अपने सेशन चुटकी बजाओ DI बनाओ को लंबा करूं मैं, फिर आप ही लोग बोलोगे कि सर ने लंबा कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा मैं, समझो इस चीज को और इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ हम लोग, अगला सवाल देखो क्या है हमारा, देखो क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुगेदर, स्विमिंग और ड्राइंग में कितनी लड़कियों ने भाग लिया ये बता दो मुझे, ठीक है। चलो ये 12 पे टूटता, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, वो व्हाइट पोर्शन पे दिखेगा नहीं, ठीक है, ये 12 पे टूटता और ये 7 पे टूटता, चूंकि गर्ल्स का बोला है तो नीचे पे ही हम लोग आ जाते हैं। किसमें बोला है, स्विमिंग और ड्राइंग है ना, स्विमिंग है 14 और ड्राइंग है 16, माइट भी ये नहीं दिख रहा हो, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये 16%, ये कलर थोड़ा सा इसलिए है वहां पे, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखूंगा, ये 16% है, ठीक है। अगर मैं 16 और 14 को जोड़ूं तो कितना देगा, 30 देगा ना। मैंने क्या बोला था, ये रेशियो है अभी भी, फाइनल आंसर देने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/2 से मल्टीप्लाई। देखो तो सवाल एक लाइन में सॉल्व हो गया क्या, 7 × 5 = 35 और यहाँ से 15, भैया थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या जाता है तुम्हारा मल्टीप्लाई, 15 × 5 = 75 का 5, 7 हाथ में, 15 × 3 = 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 52, ऑप्शन नंबर बी। जैसे करना है मल्टीप्लाई करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, जैसे आता है वैसे कर लो, ठीक है, बस कर लेना, रुकना नहीं है, ठीक है। अब अगर इसी में थोड़ा सा मैं जोड़ डालता हूँ, ठीक है, अब तुम देखो 1750 जिनको नहीं आ रहा है, चलो ये भी ले लेते हैं उनका 16 × 4 = 30%, ठीक है, और 30% हो गया ना। अब इसे को आप काटने छाटने के लिए रेतोगे, ठीक है, रेतो कितना रेतना है, सोचो कि ये पार्ट क्या तुम मुंह पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ मेरे को इतना बता दो क्या तुम ये पार्ट मुंह पे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 12 है और ये 7, उन लड़कियों की संख्या जो डांसिंग में है, जो लोग अभी पिछले वाले सवाल के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ वो थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते, थोड़ा इसमें भी करके देखिएगा आपका जादू लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, मेरा तो लग जाएगा अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा समझो और चीज़ों को एक्सेप्ट करो, हमेशा ना नई चीज़ों को सीखने के लिए ना एक्सेप्टेड रहो, मतलब तैयार रहो,
ऐसा नहीं जबरदस्ती करना है कि हाँ मेरा जो था वही है वही सही है। आदत डालोगे तो हर चीजें जो है वो एडॉप्ट हो सकती हैं, ठीक है। और ये तो फिर भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। चलो अब अच्छी है कि नहीं ये तो कमेंट करने के बाद मुझे पता चली जाएगी, ठीक है। तो कमेंट का इंतजार रहेगा आप लोगों का। नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग, ठीक है, डांसिंग में लड़कियों की संख्या। अच्छा डांसिंग में देखो तो कितना परसेंट है, 20% है क्या? 20% कितना होता है भैया? 1/5, यही होता होगा शायद, है ना, 1/5 याद है ना। तो 7 था, 7 का 20% करेंगे तो 1/5 कितनी लड़कियां हैं मेरे पास, ठीक है। यह जो है टोटल का कितना परसेंट है, इससे आसान इक्वेशन अगर कोई लिख दे तो मैं मान लूं, ठीक है। 12 × 5 = 60, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 7 × 5 = 35/3। ये 35/3 जो है, 11 × 3 = 33, मतलब 11 पॉइंट समथिंग जाना है। कौन सा ऑप्शन है? 11.67 जाना यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, 11 2/3 जाएगा, 2/3.67 होता है, ऐसे मैंने कर, ठीक है, हो गया खत्म। करो जैसे करना है, ठीक है, जिस तरीके से भिड़ना है, इससे आसान कुछ भी नहीं है इस टाइप के डीआई को बनाने का, ठीक है। चुटकी बजाओ, डीआई बनाओ। चलो आज कुछ ज्यादा ही हो गया, वीडियो के अंत में कोई बता भी देना कितनी बार मैंने ये लाइन मारा है, ठीक है। ऐसा कुछ करना मत, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, सीरियस होने का कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन का समय है, काफी फ्री टाइम है, पढ़ाई में यूटिलाइज करो, ये गिनना मत। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग, लड़कियों की संख्या जो स्विमिंग में है, ठीक है। तो 7 × 14 लिख दो रेशियो टू द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन स्विमिंग, लड़कों की संख्या जो स्विमिंग में। तो लड़कों की संख्या कैसे निकलती है? टोटल माइनस लड़कियां ना, तो टोटल कितना है? 12 × 16 माइनस 7 × 14 हो गया। अब बोलो कि गुना करेंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम लोग समझदार हैं, हम लोग काटते हैं 2 से 7, 2 से 8, 2 से 7, ठीक है। तो इधर हो गया 49। अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज रहता, नन ऑफ दीज में भी कुछ रहता जिसमें स्टार्टिंग में 49 होता, तो आंसर तो यही होता, ठीक है, ऐसे भी यही है। 12 × 96 और 49 यहाँ पे घटा दो, क्या दिया? हो गया ना, बताओ मुझे क्या आसान है इसे लंबा चौड़ा तरीके से सॉल्व करना कि रेशियो बेसिस पे सॉल्व करना, ठीक है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारे सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में, किसी को भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। शायद मैंने सवालों को इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में पढ़ के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, अगर आप लास्ट में डायरेक्ट पहुंच चुके हैं तब तक अपना ध्यान रखें, यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा लाइक दबाते जाओ और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करते जाओ, चुटकी बजाओ, डीआई बनाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार रहेगा आपके गुड कमेंट्स का। थैंक यू।